सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए थे और कुछ व्यूअर्स के भी कमेंट आए थे कि उनका अकाउंट में टोटल कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन है एनपीओ में जिसमें उनको कहीं ना कहीं डाउट रह गया है और उनका क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटक रहा है सब्सक्रिप्शन के कारण। तो आज के इस वीडियो में सब्सक्रिप्शन का थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो तुमको ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ यार, अपने चैनल सीए फाउंडेशन ट्रेंड को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम अपने एक सीए स्टूडेंट को यार वीडियो ज़रूर शेयर करना, जिससे कि कहीं ना कहीं उनका भी अगर कुछ डाउट होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं कि आखिर सब्सक्रिप्शन है क्या। उससे पहले मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहूँगा कि कमेंट में नीचे बताना कि क्या आपको जर्नल इंट्री क्लियर है या जर्नल इंट्री के कॉन्सेप्ट में डाउट है। अगर जर्नल इंट्री के कॉन्सेप्ट में डाउट है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं जर्नल के बारे में भी आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्चुअल। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना प्लीज़ यार। थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, क्योंकि आज मैं कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और थ्योरी पर भी बात करूँगा। सबसे पहले हम जर्नल के बारे में बात करते हैं कि अगर जर्नल में आपको डाउट है तो जर्नल में आप कैसे क्लियर होंगे। सबसे पहले तो जर्नल का दो अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच और एक है आपका गोल्डन रूल, वही जो 1990 में चलता था ऑलमोस्ट। तो हम हमेशा इसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे और मॉडर्न अप्रोच ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री में दो चीज़ चलता है, एक एसेट और एक्सपेंसेस, और एक होता है इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, और यहाँ पे गुडविल। दोस्तों गुडविल भी एक एसेट ही है और कैपिटल भी इनकम ही के सोर्स में आता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जाएगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम जरूर अंत तक देखोगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करना ताकि वीडियो आगे तक शेयर हो जाए। प्लीज़ यार सपोर्ट करो हमारे चैनल से ये फाउंडेशन ट्रेंड को। अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम एसेट और एक्सपेंस के बारे में, दोस्तों मैं शॉर्ट में बताऊँगा, बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊँगा। एसेट और एक्सपेंस और इनकम और लायबिलिटी, कैपिटल, गुडविल। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जितने भी टर्म हैं, अगर एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एसेट घटता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये हो गया मॉडर्न अप्रोच एसेट और एक्सपेंस का। और इनकम का अगर नहीं पता है तो आपको सबसे पहले तो इनकम मान लीजिए घटता है, इनकम मान लीजिए घटता है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर ये बढ़ता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको मॉडर्न अप्रोच समझ में आ गया होगा। ये छोटे से वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज समझा दिया। आई होप आपको अब जर्नल इंट्री से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सब्सक्रिप्शन क्या है। तो सब्सक्रिप्शन तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर हम जाएं तो सबसे पहले तो ये इसका नेचर है कि ये एक इनकम है, और इनकम का हमेशा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी कि अगर मान लीजिए हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस यहाँ होगा, बाई बैलेंस बीडी। ये अगर पहले से बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन दिया हो तो, और अगर अगर कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो सिंपली जो ट्रांजेक्शन होता है उसके बेसिस पे हम सब्सक्रिप्शन का लेजर क्रिएट करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पहले हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में मैंने अभी बताया कि ये एक इनकम होता है, तो पहला जर्नल एंट्री तो सबसे पहले ये है कि इनकम रिसीव होता है रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट में। तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पहला यही एंट्री है। यहाँ पे क्या हुआ, इनकम
इनकम बढ़ गया इसीलिए ये क्रेडिट में गया, और यहाँ पे एसेट्स बढ़ गया इसीलिए डेबिट में गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र में सबसे पहले तो अगर कोई इनकम ट्रांसफ़र करते हैं तो फाइनल अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो। लेकिन NPO में यही अकाउंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, और इस नॉमिनल अकाउंट में भी हम लोग देखेंगे कि एक सेकेंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे भी वही है। इनकम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, और यहाँ पे भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो ये डेबिट साइड जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसका एंट्री क्या होगा। दूसरा एंट्री यही था। अगर पहला एंट्री था कैश अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो दूसरा एंट्री यही होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक दो मेन एंट्री है जो कि पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन को हम लोग प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही भाई है एक तरीके से बोल सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब बात करेंगे कि भाई आउटस्टैंडिंग का क्या केस है, उसमें क्या एंट्री होगा। तो सबसे पहले देखिए आउटस्टैंडिंग क्या है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई अमाउंट आपको रिसीव होना था 2018 में, लेकिन वो रिसीव हुआ नहीं। वो 2018 में रिसीव होना था लेकिन वो साल के एंड तक वो रिसीव नहीं हो पाया। अब वो रिसीव नहीं हो पाया तो वो पैसा तो आपको मिला नहीं है अभी, तो मिला नहीं है तो वो एक तरीके से आपके लिए ये एसेट्स हो गया। यानी कि हमको मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही हो गया कि कोई अगर कोई अमाउंट है वो रिसीव होना था लेकिन मिला नहीं, तो वो हमारे लिए एक तरीके से एसेट है, इसीलिए वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है जर्नल एंट्री में। तो ये तो बेसिक लेवल पे है। अब बात करते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता क्या है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। अब अभी मैंने कहा कि ये आउटस्टैंडिंग एक तरीके से एसेट्स है। मान लीजिए अगर कोई लायबिलिटी हो गया तो ये क्रेडिट साइड भी जाता है। बेसिकली ये है कि कोई भी अमाउंट अगर रिसीव होना था या पे करना था साल के एंड तक वो नहीं हुआ, तो ये डेबिट साइड भी जाता है और क्रेडिट साइड भी जाता है। डेबिट साइड जाएगा तो एसेट्स हो गया, और क्रेडिट साइड जाएगा तो वो लायबिलिटी जनरेट करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो आउटस्टैंडिंग का जनरल एंट्री क्या होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहला, अभी साल के आखिरी तक आउट सब्सक्रिप्शन क्या था, इनकम था। इनकम आखिरी साल के आखिरी में रिसीव नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये हो गया आपका एंट्री। यहाँ पे क्या हुआ, इनकम है, रिसीव नहीं हुआ साल के एंड तक, और साल के एंड तक अगर रिसीव नहीं हुआ तो ये एसेट्स जनरेट हो गया, यानी कि ये डेबिट साइड गया, तो ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे क्रेडिट साइड आपका सब्सक्रिप्शन है ही, क्योंकि ये इनकम नेचर है ही। तो ये आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए आउटस्टैंडिंग को ट्रांसफ़र करना है, तो आउटस्टैंडिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे आपको उल्टा रिकॉर्ड कर देना है, मतलब ट्रांजेक्शन को अपोजिट कर देना है, यानी कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
बस इतना ही है। यहाँ पे क्या हुआ, इनकम घट गया और यहाँ पे एसेट्स घट गया, क्योंकि अगर कोई एंट्री कर रहे हो यार तो उसको क्लोज भी तो करना है एंट्री को। आई होप आपको जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन सा प्लस करेंगे, कौन सा माइनस करेंगे। तो अब हम सब्सक्रिप्शन का ट्रिक के बारे में बात करेंगे। और इस ट्रिक में सबसे पहले आउटस्टैंडिंग का बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बात करते हैं। दोस्तों घबराना नहीं है, मैं आपको लेजर अकाउंट भी खोल कर दिखाऊंगा, बिल्कुल आप बिल्कुल घबराइए नहीं। देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। मान लीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करना है, ये कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक भी बोल सकते हो। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि बुक में दिया हुआ रहेगा कि क्लोजिंग ये है, ओपनिंग ये है। ओपनिंग और क्लोजिंग में कैसे आप कन्फर्म करेंगे, आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझना है। जैसे कोई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल के बैलेंस शीट में दिया हुआ है, पिछले साल का जो एंड में आउटस्टैंडिंग है वो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया सब्सक्रिप्शन। और क्लोजिंग आपको एडजस्टमेंट में दे कर रखेगा कि क्लोजिंग इतना है, या फिर सिंपली ऐसे दो फॉर्मेट बनाकर यहाँ पे 1/4 21, यहाँ पे 31 3 22, तो यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ होगा और यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ होगा, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करके एक हेडिंग दिया होगा। और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ओपनिंग ये है और क्लोजिंग ये है। यहाँ पे डेट का बहुत ज़्यादा महत्व है, इस डेट पे ध्यान रखना। आई होप आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। यहाँ क्या करना है, आउटस्टैंडिंग रहेगा, ओपनिंग रहा तो उसको लेस कर देंगे और क्लोजिंग रहा तो उसको प्लस कर देंगे। अब हम एडवांस के बारे में जानते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन। दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ऐसे कंटेंट के लिए। चलिए अब हम एडवांस के लिए करते हैं, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा अभी एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे भी वही है, ओपनिंग और क्लोजिंग। एडवांस में अगर ओपनिंग एडवांस है तो ओपनिंग को हमेशा ऐड करना है और क्लोजिंग एडवांस को लेस करना है, बिल्कुल अपोजिट है। मान लीजिए कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग में दिया हुआ है तो ओपनिंग को ऐड कर देना है, और क्लोजिंग अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन रहा तो उसको लेस कर देना है। जो भी बैलेंस आएगा वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आया होगा, और जनरल एंट्री मैंने जो बताया वो डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करेगा। प्लीज़ यार ये वीडियो आगे तक ज़रूर शेयर करो। अब देखो बिल्कुल मैं क्लियर कट कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताता हूँ। पहले करना क्या है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जितना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड टू सब्सक्रिप्शन करके जो दिया हुआ होगा, सब्सक्रिप्शन करके लेटर से अमाउंट है 20,000, 20,000 अमाउंट है, और ये 20,000 को सबसे पहले तुमको लेना है। और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये देखो, सबसे पहले हमको लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे ईयर लिख देना, जैसे 2022 2021 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे अमाउंट लिख देना 20,000। अब आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम लोग जैसे आउटस्टैंडिंग के बारे में करते हैं, तो सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऐसे लिखना है, भूलना मत कि बिगनिंग और एंडिंग लिखना है। बिगनिंग ऑफ ईयर लेट सपोज 2,000 है अमाउंट, फिर लिखना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर लेट सपोज 1,000 है, ठीक है।
अब ये 1000 है, तो हमेशा मैंने कहा कि आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग का है तो उसको लेस कर देंगे, यहाँ पे मार्क भी देना, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो प्लस कर देंगे, और जो लेस वाला होगा इसको ऐसे एरो मार्क भी देकर करना, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा कि इसको लेस करना है। और लेस करना है तो ये अमाउंट आप देख ही रहे हैं कि 18000 बचा, 18000 प्लस 1 19000, ये जो अमाउंट है 19000 ये सीधे चल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यार आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एडवांस के बारे में बात करें, तो एडवांस में भी कुछ ऐसा ही करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, लेट सपोज 20000 ले लेते हैं। अगर एडवांस ऐसे लिखना है, एडवांस एट एंड, सॉरी बिगनिंग और एडवांस एट एंड ऑफ ईयर, तो एडवांस में मैंने आपको कहा है कि जो ओपनिंग रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग रहेगा तो उसको आपको ऐड कर देना है लेट सपोज 1000, और क्लोजिंग एडवांस रहा तो उसको लेस कर देना है लेट सपोज 2000, और लेस को करना है ऐसे एरो मार्क देकर ब्रैकेट में डाल देना है, और कितना हुआ 21000, 2000, 19000। अब ये जो 19000 है ये चला जाएगा तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इसको डालना है। आई होप तुमको एडवांस और आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। और एक चीज़ और आखिरी में मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आपको ये अलग अलग एडजस्टमेंट करना, नहीं, आउटस्टैंडिंग और हमेशा एडवांस का साथ में क्लियर करना। अब जैसे देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना, लेट सपोज 20000, तो यहाँ पे दोनों एक ही साथ कर लेना, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एट ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर, और एडवांस एट बिगनिंग और एडवांस एट एंड ऑफ ईयर। लेट सपोज यहाँ पे करते हैं 1000, यहाँ पे करते हैं 2000, यहाँ पे भी करते हैं 2000, यहाँ पे करते हैं 1000, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है। ये मेन यहाँ पे ये ट्रीटमेंट होगा सब्सक्रिप्शन का, आउटस्टैंडिंग और एडवांस, ये ट्रीटमेंट मेन है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग अगर रहा तो उसको हमेशा लेस करेंगे, और एंड वाला जो है इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे साइन दे देना माइनस और प्लस का, और यहाँ पे एडवांस एट द बिगनिंग अगर हुआ तो इसको ऐड करेंगे, और इसको एडवांस एट द एंड लेस कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देकर सारा एडजस्टमेंट कर देंगे। 20000 में से 1000 गया, 19000 प्लस 2000 21000, 21000 दो 23000, 23000 में से 1000 गया 22000, तो ये जो 22000 था, सॉरी दोस्तों वो बटन दब गया, ये जो 22000 था यहाँ पे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना। तो ये था तुम्हारा आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट ट्रिक। अब देखो, जर्नल एंट्री अगर तुमने अच्छे से देखा है जो मैंने आपको बताया, तो तुम बड़ा इजीली लेजर क्रिएट कर लोगे। सब्सक्रिप्शन का लेजर क्रिएट करेंगे, नेचर क्या है, इनकम है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस यहाँ होगा बाय बैलेंस बीडी, ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। और ये ओपनिंग बैलेंस अगर हो गया तो जर्नल एंट्री के हिसाब से अगर तुम करो, तो पहला एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे बाय कैश डाल देना है, जितना भी अमाउंट हो, जितना रिसीव हुआ है इस साल, ये जो बैलेंस होगा ये बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा, अगर नहीं है तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है,
अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो तुम्हारा पहला एंट्री ये होगा, फिर इसको ट्रांसफ़र करोगे तो एंट्री क्या बनता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे तुम्हारा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे डाल देना है, यही सेम अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा। और बाकी अगर एडवांस का बात करें तो एडवांस का पता ही है कि एडवांस का एंट्री क्या होगा, एडवांस लाइबिलिटी को जनरेट करता है, तो एंट्री क्या था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो ये एडवांस क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एडवांस, और यहाँ पे जो एडवांस का अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे डाल देंगे। और आउटस्टैंडिंग का है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यानी कि ये यहाँ पे जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड, ये इंड वाला ही जाता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा इस तरीके से हम इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। और आउटस्टैंडिंग का अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले लेजर क्रिएट कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। एंट्री क्या था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट डाल देना है, और यहाँ पे जितना भी अमाउंट था डाल देना है, और बाय बैलेंस सीडी करके इसको क्लोज कर देना है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, क्योंकि ये पैसा हमको मिला नहीं है, हमको मिला नहीं है, ये फ्यूचर में मिलने वाला है। तो आई होप तुमको आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और एडवांस का क्या है, एडवांस का भी लेजर क्रिएट करेंगे। और जर्नल एंट्री क्लियर नहीं है तो यार ये सब काम नहीं होगा तुमसे। जर्नल एंट्री मैंने इस वीडियो में बताया, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना जितने भी तुम्हारे सीए के फ्रेंड हैं, और आई होप तुमको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। तो एडवांस का सब्सक्रिप्शन क्या था, यहाँ पर कर देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एंट्री क्या था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे इनकम घट रहा है, यहाँ पे आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का डाल देंगे, यहाँ जो अमाउंट होगा यही अमाउंट यहाँ डाल के इसको क्लोज कर देंगे टू बैलेंस सीडी, और यही जो अमाउंट है ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा सब्सक्रिप्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्चुअली तरीके से बता दिया। प्लीज़ यार सीए फाउंडेशन ट्रेंड को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। जय हिंद।